दोस्तों मैं भी विकास कोहली YouTube पे पोस्ट मैच एनालिसिस की थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये भी रात को ही मैच हो रहा था, देखा जाए दिन आज का दिन ही माना जाएगा, वैसे मैच रात को हो रहे थे। तीनों मैचेस जो वीडियो लेके आया हूँ, जो थर्ड पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ, अपना लास्ट क्वार्टर फाइनल जो कवर करने जा रहा हूँ। मैच प्लेयर जो थे वो गोट माने जाने वाले प्लेयर, वो क्या प्रदर्शन करते हैं ग्रैंड स्लैम की ग्रैंड स्लैम, मास्टर्स से मास्टर्स, कोई टाइटल उनसे बचा नहीं है ओलंपिक्स को छोड़ के। मैं बात कर रहा हूँ नोवाक जोकोविच, ATP रैंकिंग नंबर 2 पे खिलाड़ी हैं, बट उनके पास चांस है ATP रैंकिंग नंबर 1 पे जाने का, और थोड़ा सा डिपेंडेंट भी है कार्लोस अल्कैराज़ से। वो चाहेंगे बढ़िया प्रदर्शन करके ऐसे ही कंटिन्यू रहे, और इस बार अल्कैराज़ के साथ अगर फाइनल खेलते हैं तो हराएं और विंबलडन का बदला लें। फिलहाल दोस्तों जो उनका मैच था टेलर फिट्स, USA के प्लेयर अच्छे प्रदर्शन करते हैं, बट टेलर फिट्स अभी तक जोकोविच के खिलाफ 8 बार भी नहीं जीते, और इस बार भी ऐसा हुआ नहीं जीत पाए, और 7th स्ट्रेट विक्ट्री अगेंस्ट टेलर फिट्स नोवाक जोकोविच ने हासिल किया। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बनने से पहले बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलते रहे पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग। फिलहाल मैं दोस्तों पहले सेट की ओर बात करूं तो पहले सेट में शुरुआत क्या रही भाई साहब, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक, बेगल मार दिया नोवाक जोकोविच ने, बेगल मारा और टेलर फिट्स को 6-0 से पहला सेट हराया। ऐसा की सेट की शुरुआत की जाए, फिट्स ने इस बार अच्छी शुरुआत की, आते ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, देखते देखते 0-6 से पीछे थे और सेकंड सेट में 2-0 से आगे हो गए। अब उसके बाद जोकोविच ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखना शुरू किया, फिर फिट्स ने होल्ड रखना शुरू किया, 8 समय आ गया 4-3, टेलर फिट्स सर्विस गेम करवा रहे थे तब उनकी सर्विस गेम ब्रेक हुई 4-4 पे। दूसरी बार जोकोविच ने सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 5-4 किया और सर्विस गेम एक बार फिर से ब्रेक की, डबल ब्रेक लगातार की नोवाक जोकोविच ने टेलर फिट्स की, और 6-4 से सेकंड सेट जीता। पहला सेट तो बेडल से जीता 6-0 से, सेकंड सेट जीता 6-4 से, नेक्स्ट राउंड में प्रवेश किया। नेक्स्ट राउंड में जो मैच होने वाला है वो होने वाला है साशा के खिलाफ मैच। देखा जाए जोकोविच और साशा के मैचेस अच्छे जाते हैं, US ओपन 2021 का मैच याद आता है, अच्छा प्रदर्शन किया था बट जोकोविच प्रिवेल हुए थे। उसके बाद हाल ही में एग्जीबिशन मैच हुआ था 2022 में जिसमें जोकोविच हारे थे ज्वेरव से, तो अगर ये पॉजिटिव देखा जाए ज्वेरव की साइड है, बट जोकोविच का हमें पता है कि भाई जोकोविच ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और चांसेस जोकोविच के ही हैं। दोस्तों फिलहाल दोस्तों मैच के स्टैट्स डाले तो एसीज इतने नहीं आए, डबल फॉल्ट बराबर हुए, 4-4 डबल फॉल्ट दोनों प्लेयर्स ने किए, एक एसीज फिर से लिया जोकोविच ने, 2 एसीज लिए। ब्रेक पॉइंट देखा जाए 0 out of 1 एक बार कन्वर्ट किया टेलर फिट्स ने जोकोविच की सर्विस गेम। दूसरे देखा जाए 1 out of 6 5 बार सर्विस गेम ब्रेक की नोवाक जोकोविच ने, 2 सेट्स में 8 बार सेट करने में कामयाब हुए ओनली टेलर फिट्स, यही मेन कारण रहा ये मैच जोकोविच के पक्ष में जाने का। दोस्तों फिलहाल अगर अभी के लिए चलता हूँ, आपको क्या लगता है दोस्तों कैसा प्रदर्शित रहेंगे अपने आने वाले मैच में ज़्वेरव के या आने वाले टूर्नामेंट्स में, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।